मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दो सूची जारी कर यह जता दिया कि वह पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन कांग्रेस की अभी तक एक भी सूची जारी नहीं हुई है। ऐसे में कांग्रेस के कई दावेदार हैं जो चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की नरियावली विधानसभा की, जहां कांग्रेस के एक दमदार दावेदार देवेंद्र तोमर का नाम बड़े तेजी से जोरों से इस क्षेत्र में लिया जा रहा है। यह कमलनाथ के बेहद करीबी है, साथ ही 1994 में सागर जनपद अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी के कई पदों पर रहकर इन्होंने कांग्रेस की जबरदस्त सेवा की है। इनका टिकट में दावेदारी में जोरदार नाम चल रहा है देवेंद्र तोमर। सदर क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनका नरियावली विधानसभा क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। अगर पार्टी इन पर अपनी नजरें गड़ाती है तो यह मानकर चला जा रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी को जोरदार टक्कर दे सकते हैं। चुनावी चर्चाओं में इनका नाम भी तेजी से चल रहा है। देवेंद्र तोमर के बारे में कहा जाता है कि इनका नरियावली विधानसभा से 30 साल का नाता है और हर घर में इनकी दस्तक है। इनकी चुनावी तैयारी पूरी है। कांग्रेस अर्थबल में हर चुनाव में पीछे रह जाती है और आखिरी 3 दिन में चुनाव हार जाती है, लेकिन अगर देवेंद्र तोमर को टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार है। और यह कांग्रेस भी जानती है और नरियावली की जनता भी जानती है कि देवेंद्र तोमर साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ भी सकते हैं और कांग्रेस को यहाँ सीट भी दिला सकते हैं। जितेंद्र सिवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, नरियावली। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।